अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पर मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ कि आप किस तरह अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। आप बेशक ग्राफिक डिजाइनर हो, आप डेटा एंट्री करते हो, या फिर आप एक वेब डेवलपर हो, या कोई भी आपकी निश है, आप लोगों को मैं आज की वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो किस तरह बिल्डअप कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है, पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप लोगों के पास पोर्टफोलियो नहीं है, जब तक क्लाइंट को नहीं पता होगा कि आपको काम आता भी है या नहीं, तो आपके पास ऑर्डर कभी भी नहीं आने वाला। पूरा प्रोसेस समझ लेना। फर्स्ट मैं आप लोगों को वेबसाइट्स बताऊंगा, किन वेबसाइट्स पर आप इन पोर्टफोलियो को बना सकते हो अपने। और एक और चीज मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं, कुछ ही वेबसाइट्स हैं जिनको फाइवर अलाउ करता है। अगर आप दूसरी वेबसाइट्स पर अपना पोर्टफोलियो बना के उनका लिंक फाइवर पर सेंड करोगे तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फाइवर आपका अकाउंट। तो इसलिए जो मैं आप लोगों को साइट्स बता रहा हूं, आप लोगों ने जस्ट उनको ही फॉलो करना, उन्हीं पर अपना पोर्टफोलियो बनाना है। किस तरह बनाना है कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो की तरफ चलते हैं। आप लोगों का जो वर्क है, आप लोगों ने लेके आना है ड्रिबल पर। अच्छा, आप यहाँ स्क्रीन पर आकर ड्रिबल सर्च करोगे तो ये एक वेबसाइट है ड्रिबल। यहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को मैं प्रोसेस बताता हूँ आप लोगों ने इसको किस तरह से रजिस्टर करना है, किस तरह इस पर वर्क करना है। यहाँ पर मैं साइनअप के बटन पर क्लिक करूंगा और इसका सिंपल प्रोसेस है साइनअप करने का, वो आप इजीली कर सकते हो। मैं स्किप कर देता हूँ ये पार्ट। अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी इमेज चूज कर लेनी है। मैं यहाँ से कोई भी रैंडम इमेज को चूज कर लेता हूँ और देन आप लोगों ने अपनी लोकेशन मस्ट लिखनी है। मैं अपनी लोकेशन लिख लेता हूँ और देन कर दूंगा मैं इसको कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आर यू हेयर टू हायर? नो। आप हायर नहीं कर रहे तो आप नो पे क्लिक कर दोगे। ये कहेगा कि आप डिजाइनर हो। यस, मैं डिजाइनर हूँ, तो मैं इसको यस पर क्लिक कर दूँ। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, इससे भी आप लोगों को क्लाइंट मिल सकते हैं। तो जब ये हो जाए तो आपके लिए ये सजेस्ट कर देगा, आप लोगों ने इसको छोड़ देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। अब मेरे पास आ जाता है ये प्लान, मैं भी लेटर पर मैं क्लिक करूंगा। मेरा अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका है। अब एक और चीज़ है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वेरीफाई योर ईमेल। आप लोगों को पहले तो अपना ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर एक और चीज़ है इसमें एक और चीज़ ये है कि आप लोगों के पास लिखा हुआ आ रहा है लिमिटेड अकाउंट, क्योंकि ये लिमिटेड अकाउंट है। आप लोग जब इस पर लर्न मोर पर क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स देगा। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, फिर ये अप्रूवल के लिए जाएगी आपके प्रोफाइल, फिर ये अप्रूव होगी तो ही आपका पोर्टफोलियो रजिस्टर होगा। अब देखो ये रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना काम को अपलोड करना है। यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करोगे और ब्राउज पर क्लिक करोगे। मेरा जो भी वर्क होगा मैं उसको यहाँ से ओपन कर लूंगा और इसी तरह आप कोई भी अपना वर्क ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों ने अच्छा सा टाइटल देना ताकि यहाँ से भी आप लोगों को क्लाइंट मिल सके। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हेयर टी शर्ट डिजाइन। कंटिन्यू करोगे तो ये आप लोगों को हैशटैग और टैग्स की भी ऑप्शन देता है। मैं यहाँ से कोई भी बहुत सारे टैग्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और देन मैं इसको पब्लिश कर दूंगा क्योंकि ये मेरा रैंडम है। अब मैं इसको यहाँ पर जब क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी इमेज लग गई। देन आप अपनी आओगे प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर आने के लिए आप अपने पिक्चर पर क्लिक करोगे तो ये आपकी प्रोफाइल आ चुकी है। अब इसमें आप कलेक्शंस बना सकते हो। अच्छा, अब ये बटन है शेयर वर्क, यहाँ से मैं अपना एक और वर्क ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। इसका मैं टाइटल वगैरह कुछ भी लिख देता हूँ और देन मैं इसको कर दूंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। अब मेरे हो गए हैं दो वर्क ऐड। ठीक है, प्रोफाइल में जाता हूँ। अब ये मेरे दो वर्क हैं। यहाँ पर आप लोगों को शो भी होते हैं कि आपको कितने लोगों ने देखा है। ये वन आ रहा है क्योंकि मैंने ही खुद को देखा है। अच्छा, ये अब आपका लिमिटेड अकाउंट है तो इस पर आपको कलेक्शंस का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ से आप अपनी कलेक्शंस बना सकते हो। जैसे कि मेरा एक वर्क है लोगो डिजाइन का, एक मेरा वर्क है टी शर्ट डिजाइन का। अब मैं लोगो की कैटेगरी अलग करना चाहता हूँ और उसकी कैटेगरी अलग करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को अपना अकाउंट भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जांपल से समझ आ सके मैंने अपना पोर्टफोलियो किस तरह बिल्डअप किया। सेकंड चीज जो इसमें आप लोगों को मिलती है, अब आपने अपनी प्रोफाइल पर यहाँ माउस कर्सर लेके जाना और यहाँ पर आपने वर्क प्रेफरेंस पर क्लिक करना है तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप फुल टाइम हो या फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट हो, आपने फुल टाइम क्लिक कर लेना है। ठीक है, फिर आपके पास आता है रिमोटली? नो। आर यू विलिंग टू वर्क रिमोटली? यस, रिमोटली ओनली। अब यूएसए वीजा? नो। डू यू हैव अ वर्किंग यूएसए वीजा? तो आपने इसको नहीं करना है। आपकी सैलरी क्या है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जो मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ आपने कर लेना है। फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देना और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अकाउंट को अप्रूव करवाने के लिए। अब आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप किस में स्पेशलिस्ट हो, मोबाइल डिजाइन में, एनिमेशन, कुछ भी आप अपने सेलेक्ट कर सकते हो। तीन मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। अब आ जाती है नेक्स्ट, वो है मेरी ये जॉब। जॉब में आप पोजीशन कुछ भी रख सकते हो। इसके लिए आप अपने ऐड करके इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे। अब मैं लेके चलता हूँ अपने अकाउंट पर ताकि आप लोगों को एग्जांपल से समझ आ सके। तो ये मेरा अकाउंट है, अब मैं अपने अकाउंट का पूरा रिव्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो मेरा वही ऐड है, हर चीज है, मेरा प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई अच्छी सी और ये मेरी कुछ कलेक्शंस बनी हुई। अगर आप कलेक्शन देखो तो मैंने 4 कलेक्शंस बनाई हुई। ये मैं इतना यूज नहीं करता क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फाइवर की प्रोफाइल ग्रो हो रही है तो उसी पे मैं अपना पोर्टफोलियो ऐड कर लेता हूँ। अब ये है लोगो डिजाइन, ये है मेन्यू डिजाइन, ऑसम टी शर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन। क्लाइंट आता है, अब क्लाइंट को अगर लोगो डिजाइन चाहिए तो वो इस तरह अगर वर्क पे आए तो देखें सब कुछ मिक्स है। क्लाइंट के साइनिंग पर वो यहाँ क्लिक करता है
और देखो वो लोगो डिजाइन में जाना चाहता है तो लोगो डिजाइन में चला जाएगा। जैसे मैं लोगो डिजाइन पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे लोगो उसके पास शो हो जाएंगे। मेन्यू डिजाइन में जाना चाहता है तो वो यहाँ मेन्यू डिजाइन में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर मुझे 11 लोगों ने देखा, इसको 12 लोगों ने देखा, ये भी 11 लोगों ने देखा, ये 9 लोगों ने देखा। तो मिस हर चीज की आपको डिटेल मिलती है। अब एक और चीज, मुझे एक क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे टी शर्ट डिजाइन चाहिए, क्या आपने पिछला वर्क किया हुआ है? तो मैं यहाँ पर अपने टी शर्ट डिजाइन पर क्लिक करूंगा और मेरी कलेक्शन खुल जाएगी। यहाँ से एक लिंक आ रहा है कॉपी का, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद अब आप देखो मैं किसी भी ब्राउजर में जाके इसको पेस्ट करता हूँ, और ये मीन्स कि आपने ये क्लाइंट को सेंड कर दिया। क्लाइंट किसी भी ब्राउजर में उसको क्लिक करेगा तो उसके पास टी शर्ट डिजाइन की कलेक्शन ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या देखो वाकई इसने वर्क किया हुआ है और वो मेरे डिजाइनिंग सेलेक्ट करेगा कि वाकई मुझे काम आता है और वो मुझे ऑर्डर प्लेस कर देगा। एक वेबसाइट हो गई हमारी ये। अब मेरी जो सेकंड वेबसाइट है वो है बिहेंस। बिहेंस जब आप लिखोगे सबसे टॉप पर ही आएगी। इस पर भी आप लोगों ने इसी तरह सिंपल प्रोसेस है, यहाँ भी इस तरह की इमेजेस लगती हैं। आप लोगों ने यहाँ भी अकाउंट रजिस्टर कर लेना है, साइन अप पर क्लिक करके सिंपल अकाउंट रजिस्टर करोगे और अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर ऐड कर लोगे। एक और चीज़ ये है कि भाई अगर कोई डेटा एंट्री करता है या फिर कोई वेब डेवलपर है, वो क्या कर सकता है? वो अपनी इमेजेस शेयर कर सकता है। डेटा एंट्री वाला कैसे इमेजेस शेयर करेगा? डेटा एंट्री मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर डेटा एंट्री लिखा और मैं इमेजेस में चला जाता हूँ। इमेजेस में जाने के बाद मेरे पास ये कुछ इस तरह की शीट्स आ गई हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ, अब देखो ये भी बिहेंस में ऐड है। अगर आप देखो ये भी बिहेंस में ऐड है, ठीक है, लोगों ने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया हुआ है। मैं इस इमेज को ले लेता हूँ और एग्जाम्पल के लिए, और मैं इसको यहाँ से सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मैं वही अपने जाऊँगा शेयर वर्क पर क्लिक करके और इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो ये देखो कुछ मिनिमम साइज़ भी कह रहा है 400x300, तो आप इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइज़ रखिएगा। आप लोगों का इस तरह का कुछ बेहतरीन सा पोर्टफोलियो बन के रेडी हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को कम्प्लीट प्रोसेस बता दिया कि आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो किस तरह रेडी करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़।